महज 12 घंटे के भीतर लाखों रुपए कीमत के खोए हुए जेवरात को पाने में नयानगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। नयानगर पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत की, जिसमें सबसे बड़ा अगर योगदान था तो वो है मीरा भाईंदर शहर के गली नुक्कड़ और चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे के बदौलत ही नयानगर पुलिस उन जेवरात तक पहुंची जो एक महिला ऑटो रिक्शा में भूल चुकी थी। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं पीड़ित से। हाँ, कल सर देखिए, मेरी वाइफ जा रही थी, इनको मैंने सिल्वर बाग से रिक्शा पकड़ा दिया यहाँ पे मीरा रोड स्टेशन के लिए। इन लोगों ने मीरा रोड स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे इनका बैग छूट गया। इन लोगों ने जल्दी में उतरे ना तो वहाँ पे बैग छूट गया, तो वो रिक्शे वाले ने वहाँ से चले गया। जब तक इन्होंने मेरे को कॉल किया कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने वहाँ पर पहुँचा। फिर जब तक इन लोग ने, हनीफ भाई ने, सोनू ने, इन लोग ने आ गए वहाँ पे, इन लोग ने हेल्प कर रहे थे पहले से। जब मैं पहुँचा तो इन लोग हेल्प कर रहे थे। फिर उन्होंने वीडियो कैमरे वाले को बुलाया, वहाँ से वीडियो निकाला, रिक्शे का नंबर निकाला। फिर उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया। उसके बाद हम लोग चौकी आए, इन्होंने बोला NC करके आओ। हम लोग ने आया NC करके, वापस गए हम लोग ने ढूंढा। फिर साहब ने, जो भी साहब है, उन लोग ने रात को ढूंढा। फिर मेरे को जब भी सामान मिल गया 12:30-1 बजे के बीच में, तभी मेरे को कॉल आया। जब भी मैं घर चले गया था, फिर मैंने आके देखा तो मेरा सामान पूरा प्रॉपर था। अभी मेरा सामान पूरा मिल चुका है सर। कुछ 4.5 तोला था, वो 2,83,000 समथिंग कुछ था जो उसका था, और कुछ 500 ग्राम चांदी, इतना सामान था उसके अंदर, और कपड़े। सर बहुत अच्छा, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। इन्होंने हम लोग का बहुत हेल्प किया है, रात से हेल्प किया है। 12 बजे रात को मैंने कॉल किया तो भी आए हो, जब भी सामान आया। इन लोगों ने बहुत अच्छा हेल्प किया है मेरा। ऐसा यूनियन जॉइंट बहुत अच्छा है, इनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। नयानगर पुलिस ने भी बहुत अच्छा, काफ़ी मेहनत कर, जो भी है सर, बहुत अच्छा किया उन्होंने। 4 घंटे में ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल था, जो भी नंबर भी नहीं था, हम उसको पहचानते भी नहीं थे सर। उन्होंने बहुत मेहनत की ढूंढ के निकाला। ये बताइए कि पुलिस के बारे में आम लोगों की जो राय है कि पुलिस का बर्ताव सही नहीं होता है, पुलिस अमीर और रसूखदारों के लिए काम करती है, आपके साथ में जो घटना घटी है उसमें आपने कैसा महसूस किया, आपकी क्या सोच है पुलिस के बारे में? सर ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस अपने जगह पे अच्छा काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग के लिए एक जैसा काम करती है वो, ऐसा नहीं कि वो पैसे वाले तो उसका ज़्यादा काम है, ऐसा नहीं। मैंने अभी जो हुआ मेरे साथ ऐसा काम किए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैं हम दो जन बैठे हैं, उन्होंने पूरी ताकत से अपना वो करके हमारा सामान निकाला। हमको तो ना उम्मीद है कि सामान मिलेगा, फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यूनियन वाले हनीफ भाई ने, सोनू भाई ने साथ में लगे थे, मंजूर भाई के साथ, जो भी सब लोग साथ में काम करके बहुत अच्छा करके हमारा वो चीज़ मिल गया। हमें ना उम्मीद था, फिर भी वो सामान मुझे मिला। ये थे अलाउद्दीन शाह, जो जानकारी दे रहे थे कि इनकी बीवी ही ऑटो रिक्शा में गलती से अपना जेवरात से भरा हुआ बैग भूल गई थी, जिसके बाद में पूरा मामला हो गया। इस पूरे मामले में जेवरात तक पहुंचने के लिए नयानगर पुलिस को किस तरह से मशक्क़त करना पड़ी और सीसीटीवी कैमरे ने कितना अहम किरदार निभाया है इस गुत्थी को सुलझाने में, आइए हम जानते हैं क्राइम PI जिलानी सैयद से। कल लगभग दोपहर के समय, 2 बजे के समय, एक महिला अपने पति के साथ आई और उसने कहा कि आज मैं मेरे मायके जा रही थी, मेरी नई नई शादी हुई है, और जो मेरे पास बैग थी उस बैग में मेरे गहने हैं, और वो गहने की बैग रिक्शा में भूल गई है। तो जब ऐसा कंप्लेंट करने के बाद हमारे जो पुलिस स्टाफ है, हमने ये बात हमने अपने वरिष्ठों को बताई, सीनियर साहब, ACP साहब, DCP साहब, यहाँ इनके कानों में ये बताया, और उनके मार्गदर्शन में एक टीम गठन किया गया, जिसमें अपने गर्जे प्रोबेशनर PSI गर्जे मंजूर शेख और तारड़े किरण पवार, ऐसे जो भी अवेलेबल लोग हैं, उन्होंने फटाफट रिक्शा यूनियन के हनीफ शेख और सोनू, इनको कांटेक्ट किया, और उनको कांटेक्ट करने के बाद वो जो फैमिली है मीरा रोड स्टेशन पे कहाँ से उतरी थी और सिल्वर पार्क से कहाँ से बैठी थी, वहाँ के वीडियो फुटेज लिए गए, कि जिससे वो साफ रिक्शा का नंबर साफ मालूम चल गया, लेकिन रिक्शा वाले का एड्रेस नहीं मिल रहा था, जिसमें बहुत सारी मेहनत करके रिक्शा वाले को ढूंढ के निकाला, और उसके बाद रिक्शा वाला मिला तो उसको याद नहीं आ रहा क्या हुआ, तो वो बोल रहा था बैग तो मैंने लिया नहीं, तो उसको अच्छे से पूछताछ, तो उसके रिश्तेदार बोला कि अच्छे से पूछताछ करने के बाद उसको देर रात याद आया कि उसने वो बैग और एक महिला को दी है, तो वो महिला नौगढ़ के एरिया में रहती थी, तो अपना पुलिस स्टाफ उस महिला के घर तक पहुँचा, तो वहाँ जा कर मालूम चला कि वो महिला अपने सहेली के यहाँ गई हुई है,
वहाँ से निकले तो महिला हटकेश में रहती थी, तो उसके पास जाके उसको कॉन्टैक्ट करके पूछताछ करे तो सॉरी रात का समय है इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आई नहीं, इनका मेरे पास मोबाइल नंबर वगैरह था, तो ये बात उसने किसी को बताई भी नहीं, लेकिन मैं सवेरे ला के देने वाली थी ऐसा बोला। तो फिर पुलिस ने वहीं पे वो पूरे जेवरात वगैरह चेक करके लिए, जो कंप्लेनेंट थी उसको यहाँ पर कंप्लेनेंट के हस्बैंड को पुलिस स्टेशन में बुलाए, उससे वेरीफाई करे और उसको पूरे अपने जेवरात मिले। ये सब पॉसिबल हुआ कि जो हमारे सीपी साहब एक कैमरा शहर के लिए ये मुहिम चला रहे, जिसके तहत हमको बहुत आसानी हो रही है और लोगों की खोई हुई चीज़ें चोरी गई हुई चीज़ें मिल रही है। और ये जो हमारी टीम के प्रोबेशनर PSI इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत मेहनत की हुई है, और स्टाफ में मंजूर शेख तारड़े और इन्होंने भी मेहनत की है, उसको हमारे वरिष्ठों ने अप्रिशिएट किया हुआ है। ये पूरा खोजबीन के लिए पुलिस के पूरे 12 घंटे गए हुए हैं, और मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि इस संकल्पना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एक कैमरा जो उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध है वो एक रोड पे दे दीजिए, रोड फेसिंग कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे इन्वेस्टिगेशन के लिए मिल सके, और जिससे कैमरे वाले का भी फ़ायदा होगा और उनके गली मोहल्ले और वहाँ से गुजरने वाले किसी भी लोगों का फ़ायदा होगा, जिनकी चीज़ें खोई जाती है, बच्चे खो जाते हैं या कुछ सामान खो जाता है वो ढूंढने में आसानी रहेगी, उसके लिए पुलिस सदैव उनके सेवा में हाजिर है। ये थे नयानगर पुलिस थाने के क्राइम PI जिलानी सिया, जो जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले की तह तक पहुँचने के लिए CCTV कैमरे ने कितना अहम रोल निभाया है। मीरा रोड स्टेशन पर स्थानीय समाज सेवकों ने CCTV कैमरे लगाए हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस जेवरात तक पहुंचने के लिए। उन लोगों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने मीरा रोड स्टेशन परिसर में अपने निजी तौर से CCTV कैमरे लगाए हैं। एक कैमरा शहर के लिए ये जो संकल्पना है मीरा भाईंदर वसईवीरा पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते जी की, इस संकल्पना के चलते और इसे अमल में लाने के बाद में पुलिस को किसी भी मामले की तह तक पहुँचने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए CCTV कैमरा काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। CCTV कैमरा पुलिस के लिए न केवल अपराध में जांच तक पहुंचने के लिए या अपराधियों तक पहुंचने में कारगर साबित हो रहा है, बल्कि पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए भी ये CCTV कैमरा काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इसके पीछे जो वजह है वो आप दर्शक समझ सकते हैं कि कल जिस महिला का जेवरात का बैग ऑटो रिक्शा में छूट गया था, वो अगर CCTV कैमरा और पुलिस की जद्दोजहद या मशक्क़त के बाद में भी नहीं मिलता तो उस महिला के घर के आज के हालात क्या होते, उसके परिवार की सुख शांति छीन जाती। तो कहीं ना कहीं CP सदानंद दाते जी की जो संकल्पना है एक कैमरा शहर के लिए, न केवल गुनहगारों तक पहुंचने के लिए, न किसी अपराध का सुराग लगाने तक काम में आ रहा है, बल्कि पारिवारिक सुख और शांति के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।